मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा नाम आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर, मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु, जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा दो तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगे, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन आभास होता है उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में, तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर, क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे, चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहाँ राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहाँ भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहाँ पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहाँ भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहां सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में, अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कर्क राशि वालों, राहु जो आपके दशम स्थान में थे, दशम से निकल करके वो नवम स्थान में आ गए हैं, यानी कि नवम स्थान में आने से वो आपके भाग्य के अंदर बैठ गए हैं। अब अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपकी ग्रोथ जरूर कराएंगे, यानी कि गुड लक आपका साथ देने लगेगा, फीवर करने लगेगा। इस समय में थोड़ा धर्म के प्रति आपका मन जो है, झुकाव जो है, वो हट सकता है। वहाँ आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राशि जो है वो मीन राशि में राहु आ रहे हैं, तो धर्म का साथ आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, धार्मिक बने रहिएगा। कोई भी अवसर मिले धार्मिक आयोजन में दान पुण्य जरूर कीजिएगा। पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनती है, पिता के साथ आपका मतभेद हो सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे स्पेक्युलेशन के बिजनेस में हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में हैं, करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, या वैसे आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में करते हैं और फ्रीक्वेंटली करते हैं, ऐसा बिजनेस है आपका, ट्रेड है, तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत ही ध्यान से ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि स्पेक्युलेशन इस समय में आपकी बिल्कुल ही गड़बड़ हो सकती है। साथ में राहु जो है अब आपके सर पर दृष्टि डालेंगे, तो एक दृष्टि उनकी सर पर
पड़ रही है तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज माइंडेड रहेंगे, डुअल माइंडेड रहेंगे, जकड़े में महसूस करेंगे, समझ नहीं पाएंगे आपने क्या करना है, वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत आपके साथ जो हो रही है वो आपके प्रेम संबंध में हो रही है। प्रेम संबंधों में आपको निराशा हाथ लग सकती है, हो सकता है थोड़ा समय आपको अकेलापन महसूस करना पड़े, वहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। लेकिन आपको राहु डेयरिंग बहुत बना देंगे। इस समय में अगर कोई भी व्यक्ति आपके विपरीत खड़े होने की कोशिश भी करेगा तो शत्रु पक्ष को दबना ही होगा, क्योंकि राहु आपको बहुत डेयर, बहुत हिम्मत देने वाले हैं और अपनी हिम्मत के कारण आप अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे, अपने लिए कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, खासकर विदेश से आपको कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं या जहाँ रहते हैं जन्म स्थान से दूर से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बन सकती हैं। पढ़ाई की बात करें, कर्क राशि वालों का मन जो है इस समय पढ़ाई से खिन्न रहेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो वहाँ आप थोड़ा सा पुश करेंगे अपने आप को तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो फिर वो सपोर्ट करेंगे, चिंता मत करिए, आगे आपको बताएंगे और राहु आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं इन डेढ़ वर्षों में, और साथ में जो अगर राहु अच्छे नहीं है तो उनका उपाय भी बताएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नववर्ष से पहले किया जाता है या नववर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा, जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें, जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूँगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। कर्क राशि वालों, आपके लिए राहु जो परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, जो मुझे आभास रूप में इंट्यूशन से फील हो रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पूर्व में की गई जो भी मेहनत है आपकी, उसका रिजल्ट राहु आपको देने आए हैं। आपको प्रकृति से काफ़ी क्लोजनेस महसूस होगी, आपको प्रकृति से, यूनिवर्स से कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहेंगे और ये समय आपका अच्छा जाने वाला है। धन संबंधी बात करें तो लाभ होगा, कोई ना कोई विजय, कोई अचीवमेंट आपको इस समय में प्राप्त होगी जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। सेलिब्रेशन भी लाइफ में दिख रहा है, आप काफ़ी समय बाद ऐसे समझ लो कि लाइफ में काफ़ी खुश रहने वाले हैं। पुरानी कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी, किसी एक पुराने व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, वो बंधन टूटता हुआ या छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मूव ऑन कर सकते हैं या आप अपनी प्लेस भी चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति का साथ आपसे छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ छूट जाएगी आपकी कष्ट, आपकी परेशानी, जो आप बार बार रो रहे थे, बार बार जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे वो छूट जाएगा। आपको ऐसा लग रहा था वो आपके दिल के बहुत करीब है, इसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन उसको छोड़ते ही या वो उसके छूटते ही आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसका एहसास होगा, आपको समझ में आएगा कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और आप में उससे भी बहुत ज़्यादा पावर है, आप बहुत कुछ और अचीव करने के लिए आपने जन्म लिया है। उसके बाद आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी फायरी हो जाएंगे और अपने गोल की तरफ एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर आप बढ़ने लगेंगे। आपको कोई भी चीज़ ना भटकाएगी, ना परेशान करेगी, ये समय राहु का आपको ऐसी चीज़ें करता दिखाई दे रहा है। आपके काम में, आपकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। आप एक तरफ तो काम को, करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के बहुत सीरियस हो जाएंगे, बिजनेस को लेकर के बहुत सीरियस हो जाएंगे, काम के मसले में, आजीविका को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा तो इन डेढ़ सालों में वो सेलिब्रेशन भी आपके साथ साथ चलेगा। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है, मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ दिल्ली से।
मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लाइक मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, और खुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी, वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद छठा या सातवां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में, तो मेरे को अब उनको ये चार पाँचवें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है, अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है, और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, मतलब वो मानने पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है, मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ आके मतलब इतनी पॉजिटिविटी मतलब लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ आके सच में समाधान होता है, यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो बातें सुनो गुरु माँ की बात अच्छा ही अच्छा लगता है। मैं रहने वाला यातमादपुर आगरा जिला का हूँ, अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, एक रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देख कर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मिणी जी। लोग काफ़ी आपसे जेलस फील कर सकते हैं आपके खुशियों से, ये पीरियड में जो आपको खुशियाँ आएंगी काफ़ी लोग जेलस फील करेंगे, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग मुझे काफ़ी बड़ी लीप ऑफ फेथ लेते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़ोर से आगे बढ़ेंगे एकदम, आपको वो कहते हैं ना स्थिति या तो करो या मरो, वो स्थिति होगी जिसके अंदर आप कर पाएंगे, आप डूबेंगे नहीं, आप एकदम भगवान के लेकर के उनकी शरण से उनकी कृपा से ऐसा रिस्क लेंगे कि उसमें आप पॉसिबली बहुत अच्छे से एकदम अचीव करते हुए अपने गोल को पूरा करते हुए बाहर निकलेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। धन संबंधी चीज़ें अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट इस समय में जो भी किया जाएगा उसमें आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। धीरे धीरे करके आपके सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी, सेविंग्स में आपके पैसे इकट्ठे होने शुरू होंगे, खर्चे आप उनको आराम से मैनेज कर पाओगे और सेविंग भी कर पाओगे, ये समय आपके लिए अच्छा है। किसी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प कुछ लोगों को मिलती दिखाई दे रही है। फैमिली के प्रति ये समय बहुत अच्छा है, अगर आप बेबीज प्लान कर रहे हैं या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं, हो नहीं रहा बहुत समय से, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपको लाभ होगा। खासकर जो स्त्री हैं, जो फीमेल कर्क राशि की जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, ममता बहुत बढ़ जाएगी आपके अंदर इन 1.5 सालों में, आपको बिल्कुल अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छी भावनाएँ आएंगी, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको टाइम देना, उन पर और ज़्यादा आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, और बच्चे भी इस समय में आपसे बहुत प्रेम करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको सीक्रेटली किसी पे क्रश होगा और वो आप किसी को बताओगे नहीं, अपने तक सीमित रखोगे, लेकिन आपको किसी से प्रेम या क्रश इस समय में हो सकता है। चीज़ें कितनी भी मुश्किल या डिफ़िकल्ट आपके लिए दिखाई दें, लेकिन अल्टीमेटली आप उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए ग्रोथ इस समय में ज़रूर अचीव करेंगे, आप विनर की तरह इन सभी मुश्किलों से बाहर आएंगे। और जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा, अच्छा होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस आप कपल्स में, यानी आप और आपके पार्टनर प्लस एक और आपका कोई फ्रेंड और उसके पार्टनर, ऐसे चार के जोड़े में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब ये तो आपका राशिफल हो गया, मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या महादशा चल रही है अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो राहु क्या है, राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें, यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है।
जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।